और तो नहीं करना ना भाई जाओ। वो एक्चुअली उस होटल में था ही नहीं। लगो कितना बड़ा ऑनलाइन स्कैम है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट पॉइंट पे जो पोस्ट ऑफिस है उधर गए। What's up guys, welcome back to another video. So last week था मैं स्पीति वैली में, जिसकी वजह से मेरा last mukbang upload भी miss हो गया था, but finally I'm back और स्पीति के बारे में करेंगे आज इस वीडियो में आगे बात। और हाँ, भानु भैया भी वापसी आ चुके हैं और आज भानु भैया ने अपने हाथों से बना रखा है लजीज बटर चिकन, जिसकी रेसिपी भी उन्होंने रिकॉर्ड कर रखी है भाभी वाले चैनल के लिए। जिसको भी वो रेसिपी चाहिए होगी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक मेंशन कर दूंगा। बाकी रही बात आज की वीडियो की, तो बटर चिकन और राइस को छोड़ के बाकी जितने भी आइटम हैं वो सभी मैंने बाहर से ऑर्डर कर रखे हैं, डिटेल आपको मैं बताता रहूँगा। फटाफट से करते हैं प्लेटिंग और करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। भाई फाइनली दिस इज इट। फटाफट से मैं आपको बताता हूँ, सामने की साइड ये है बटर चिकन जो कि बना रखा है भानु भैया ने और इसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में मिल जाएगी। सेंटर में मेरे पास है लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस, जिसके ऊपर मैंने थोड़ा सा बटर चिकन और डाल दिया है, जो बच चुका था वो पूरा का पूरा मैंने इसमें डाल दिया है। और राइट हैंड साइड में है मेरे पास KFC से 3 पीस हॉट एंड क्रिस्पी एंड 3 पीस स्मोकी रेड चिकन। और सैफ्रॉन लीफ से मैंने मंगा रखी है 2 रुमाली रोटी, 1 तंदूरी रोटी, 1 पीस गार्लिक बटर नान जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। और मेरे पास है घर में बनाए हुए गहत दाल के पराठे जो कि मैं खाने वाला हूँ इस वाइट बटर के साथ। साथ ही साथ मेरे बर्थडे का केक, 12 अप्रैल को मेरा बर्थडे था और आज है 24th। बर्थडे के बाद मुझे मौका ही नहीं मिला इसे खाने का, मैं घर से बाहर ही था। तो मैंने बोल रखा था भानु भैया को कि भाई जो भी करना लेकिन ये व्हीकल बचा लेना, फटाफट से जगह बनाते हैं इसके लिए। और हाँ, मैंने ये नए स्टेनलेस स्टील के स्ट्रॉ लिए हैं, ग्लास का भी मेरे पास है बट मेरे को लगा स्टेनलेस स्टील का भी होना चाहिए। ओ 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 गहत दाल के पराठे आज घर में बनाए थे। और गहत दाल के पराठे या तो घर में बनाए हुए मक्खन के साथ या फिर घी के साथ ही बेस्ट लगते हैं। वही करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट, गहत दाल का पराठा और घर में बना हुआ मक्खन और एक जाती हुई बाइक। थैंक यू सो मच गॉड फॉर दिस फूड एंड फॉर एवरीथिंग एल्स। ओहो अगर आप पहाड़ी एरिया से बिलोंग करते हो तो आपने गहत दाल के पराठे जरूर खाए होंगे, गर्मा गर्म गहत दाल के पराठे घी या घर वाले बटर के साथ हो ना, स्वाद आ जाता है। स्मोकी रेड चिकन सैफ्रॉन लीव से मैं एक बहुत अचंभे वाली बात बताऊँ, चटनी के साथ उन्होंने कटोरी दी थी। अब या तो ये गलती से हुआ है जैसे भी हुआ है, बट रेट्स अच्छे हैं बट वर्थ इट है जिस हिसाब से क्वालिटी है। टेस्ट करके देखते हैं भाई अपने भानु भैया के हाथ का बटर चिकन कैसा है। देख लो भाई, लेट्स गो इन।
मैं एग्जैगरेट नहीं करना चाह रहा हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ मेरे रिएक्शन सेटल रहे। बट भाई दो चीज़ें, पहली चीज़ 6 दिन अपन स्पीति वाली ट्रिप में थे, और ट्रस्ट में कहीं एक जगह भी ढंग का चिकन नहीं मिला। हो सकता है दिन दिन की बातों, और दो हम जहाँ भी गए वो सभी अच्छे खासे रिनोन्ड रेस्टोरेंट्स हैं, दिन दिन की बात है। तो एक बात तो ये है कि जब आपको इंतज़ार हो इतने टाइम से अच्छे खासे बटर चिकन का, और एकदम से आपको इतना बेहतरीन बटर चिकन मिल जाए, मैं ब्लैक पेपर से मंगाने वाला था वैसे आज, बट फिर बहाने मैंने बोला कि मैं बना रहा हूँ। ओहो, हमारे घर में ना सभी हाफ शेफ हैं, बढ़िया है। इनके स्मोकी रेड से ज़्यादा मेरे को हॉट एंड क्रिस्पी पसंद है, स्मोकी रेड तो बस मिर्च का घोल लगता है। और हम रीति रिवाज का ट्राई करेंगे कि अल्टरनेटिव मकबैंक में रीति रिवाज हम कर ले, गार्लिक बटर नान ग्रीन चिल्ली के साथ, प्याज नहीं है वरना थोड़ा सा और स्वाद आ जाता। डेढ़ साल के मकबैंग्स में आज पहली बार मेरे को गार्लिक नान ऐसा मिला है जैसे फॉरेन मकबैंग्स में मैंने देखा। उनका गार्लिक नान ना हमेशा ऐसा मोटा मोटा सा रहता था, और यहाँ जो मैं गार्लिक नान और यहाँ जो मैं गार्लिक नान मंगाता है वो पतला सा पापड़ सा बन जा रहा है। होटल सैफ्रॉन लीफ, ये गार्लिक नान गजब है। ये स्मोकी रेड तो फेल है भाई, इसके सामने तो फेल है। इसमें ऊपर से मिर्च ठोक दिया बस। देखो बहुत लोग ये चीज़ करनी पसंद नहीं है, बट मुझे बहुत अच्छी लगती है, चावल चिकन या दाल जो कुछ भी हो रोटी के साथ। घर वालों के सामने करता हूँ तो डांट पड़ती है, लेकिन अकेला पसंद है मुझे। बटर चिकन की एक खास बात कि राइस के साथ अलग टेस्ट करता है और चपाती के साथ अलग टेस्ट करता है। रही स्पीति की बात, स्पीति एक अलग एक्सपीरियंस है। मतलब अपन उदयपुर गए, जिम कॉर्बेट गए, बट स्पीति का ना एक, मतलब क्या बताऊँ, वहाँ की खूबसूरती एक नेक्स्ट लेवल पे। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ तो वो खूबसूरती आपको जब आप वहाँ हो तो आपको महसूस नहीं होगी, आप मतलब उस चीज़ को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, बट जब आप वापस आ जाओगे ना तब आपको वो चीज़ें याद आएंगी, वो व्यूज़ याद आएंगे, और तब आपको लगेगा कि यार तो वहाँ था तब क्यों नहीं जी भर के देख लिया उन सबको। स्वाद आ गया, जिंजर गार्लिक पेस्ट है यार, जिंजर गार्लिक पेस्ट का टेस्ट है, और तो नहीं करना ना भाई। जाओ अपन जिंजर वगैरह खाते नहीं हैं तो उसकी हीक सी आ रही थी, तो भानवे ने आके वो कंफर्म करा।
KFC से आज मेरा मन उठ गया और होटल सैफ्रन लीफ ने इज्जत कमा ली भैया। बट KFC देहरादून KFC ने मुझे हर बारी डिसअपॉइंट ही किया थोड़ा बहुत, हर बारी। स्पीति का 6 दिन का ट्रिप था अपना। अब देखो व्लॉगिंग में अपन काफ़ी बुरे हैं, बट जितना हो पाता है मैं करने की कोशिश करता हूँ। और जितने भी लोग व्लॉग्स नहीं देखते उनको बताता हूँ, ज़्यादा टाइम अपन लोग रुके थे काल्पा में और नेक्स्ट डे अपन लोग निकले थे स्पीति के लिए। नेक्स्ट डे काजा पहुंच के अपन ने नाइट स्टे काजा में किया और उसके अगले दिन हम लोग एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए। तो एक दो मोनेस्ट्रीज घूमे, लांगजा घूमे, चीचम ब्रिज था, कौन सा ब्रिज था, उस ब्रिज में गए, लास्ट गांव है जो उधर गए, वर्ल्ड्स हाईएस्ट पॉइंट पे जो पोस्ट ऑफिस है उधर गए, वहाँ से अपन लोगों ने घर में अपने पोस्ट करे, फ्रिज मैग्नेट्स खरीद के लाए बहुत सारे, मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम यादें बना के लाए बहुत सारी। स्मिथ भैया आ रखे थे हांगकांग से सिर्फ कुछ हफ्ते के लिए घूमने के लिए, अब वो आएंगे सीधा नेक्स्ट ईयर। तो समझ लो हमारे लिए वो चीज़ ऐसी थी कि अभी हो रही है, अब पता नहीं नेक्स्ट ईयर होगी या नहीं होगी। कुछ भी सर्टेन नहीं है कि नेक्स्ट ईयर वही ट्रिप हो पाएगी, उन्हीं जनों के साथ हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। मैंने तो हर मोमेंट ऐसे एंजॉय किया कि जैसे वो कभी रिपीट ही नहीं हो पाएगा। तो मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि मैं व्लॉग्स बना रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपनी ट्रिप्स, क्योंकि ये सभी चीज़ें ना मैं कभी भी वापस जी सकता हूँ। मैंने हर दिन का वहाँ व्लॉग बनाया, हर दिन का। तो समझो जब भी मेरे को कभी याद आएगी तो मैं कोई सा व्लॉग खोल के सारी चीज़ें रिलीव कर सकता हूँ। थोड़ा सा वीडियो के बारे में बताऊँ तो KFC तो मेरा खाने का मन ही नहीं कर रहा इसके सामने। 2 दिन हम रुके काजा में, 3rd डे हम निकल गए थे मनाली के लिए। लोसार से अगर आप जाओगे तो मनाली पड़ता है वहाँ से मुश्किल से 4 या 5 घंटा, बट वो रास्ता बंद था ग्लेशियर वगैरह की वजह से, तो हमें दूसरे रास्ते से आना पड़ा। दूसरे रास्ते से काजा टू मनाली था 16 घंटे, रुकते रुकाते खाना पीते खाते आओगे तो 18 घंटे कहीं नहीं गए। पूरे बाइट का फील खराब कर देती है एक छोटी सी हड्डी। और नेक्स्ट डे फिर हम लोग गए रोहतांग पास के साइड। दो जगह हमारे साथ स्कैम हुए, मतलब प्रॉपर स्कैम तो सिर्फ और सिर्फ मनाली में हुआ। होटल रूम बुक कोई और क्या पिक्स है ऑनलाइन और मिला कोई और, जो हमने होटल रूम बुक किया था वो एक्चुअली उस होटल में था ही नहीं। लगो कितना बड़ा ऑनलाइन स्कैम है। मनाली में था वो हिमालयन रिवर रिजॉर्ट करके, उस होटल में मौजूद ही नहीं था वो रूम जो उन्होंने पिक्स में डाल रखा था। उसे जो हम रात को 1 बजे पहुँचे थे, कोई फैमिली वाले होते तो वो इतनी रात को कहीं और ढूंढना प्रेफर नहीं करते। अपन लड़के लड़के थे, हमने कहा भैया नहीं हमारा पैसा वापसी करो जो एडवांस दिया है और अपन जा रहे हैं कहीं और। ओह हैवी हो गया काफ़ी, पीस इतने बढ़िया की तरह से पक रखे ना अंदर अंदर तक, स्वाद आ गया। आज प्याज नहीं है तो प्याज खाने का इतना मन कर रहा है ना कि क्या बताऊँ। तो रेनेस्ट नाम से एक होटल है मनाली में, वहाँ रुके हम, वो बढ़िया था, बढ़िया मतलब ठीक था। कैफे 1947 का बहुत हाइप हो रखा था, बहुत लोगों ने मेरे को बोला था जाना, खाना अच्छा है, नहीं था खाना मतलब ठीक था। अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली था एज कम्पेयर टू द क्वालिटी एंड द टेस्ट। आप ये चीज़ मान सकते हो कि आपको वहाँ बैठने के और उस व्यू के आप पैसे पे कर रहे हो, बट खाने के लिए वो वर्थ नहीं है प्राइस। 319 रुपये का ओरियो शेक था वहाँ, 319 रुपये का ओरियो शेक भाई। इतना महंगा शायद से मैकडी में भी नहीं है।
बट हाँ लोकेशन उसकी अच्छी थी, रिवर साइड में था। ये स्टेनलेस स्टील का स्ट्रॉ इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है ना, होठों को ठंडक दे रहा हूँ। वैसी वाली ठंडक नहीं जैसी समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ मैं, तुम क्या समझ रहे हो, समझ रहा हूँ तो नहीं वैसी वाली ठंडक नहीं, असली वाली ठंडक। तो हाँ नेक्स्ट डे अपन लोग गए रोहतांग पास। रोहतांग पास तो बंद था बट मनरी मंडरी ऐसा कुछ करके एक जगह थी रोहतांग पास से पहले, वहाँ तक गए। और भाई वहाँ के व्यूज़, बाकी वाला व्लॉग तो अभी तक आए भी नहीं है तो ज़्यादा मैं बताऊँगा नहीं उसके बारे में। तो एक दिन वहाँ पूरा का पूरा एक्सप्लोर करके मजे मार के फिर हम लोग नेक्स्ट डे आ गए देहरादून। और 23 को स्मिथ भैया निकल गए थे सिंगापुर के लिए, वहाँ चले गए वो 2 हफ्ते के लिए और वहाँ से वो निकल जाएंगे डायरेक्टली हांगकॉन्ग। चार लेग में खा चुका हूँ, 5वीं स्मोकी रेड और एक हॉट एंड क्रिस्पी अपन नहीं खा रहे हैं। यही खाता रहूँगा तो बाकी चीज़ों का टेस्ट नहीं आ पाएगा, पेट इतना बढ़ जाएगा। बट देखो ग्रेवी कम है, राइस भी खाना है तो इसलिए ये तीनों का मिक्सचर ही चलेगा। थैंक यू ओरी। गजब। ऑनेस्टली पेट भर चुका है मेरा, बढ़िया वाला। भाई लेट्स फिनिश दिस थिंग। पहली बार हो रहा है कुछ जबड़ा दर्द हो गया। 1 घंटे 9 मिनट 15-20 मिनट का प्लेटिंग वगैरह का टाइम, 10 मिनट बचे हैं, लेट्स स्पीड अप। पीस पीस है नान पराठा रुमाली रोटी चिकन राइस उन सब के साथ 750 ग्राम चिकन, थोड़ा सा टफ है मेरे भाई। चिकन के पीस बचे हैं, एक बार पास से इसकी शक्ल देखो, जगह जगह से चॉकलेट निकल रही है। ओ भाई पूरी की पूरी गाड़ी धस गई। मटेरियल से गाड़ी बनी है ना, वैक्स होता है, वैक्स या क्ले ऐसा कुछ, और ये टेस्टी नहीं होता है, टेस्ट लेस होता है। अपन पहले ट्राई करेंगे ये। आई डोंट हैव अ स्वीट टूथ बट ओह इसमें चोको चिप्स ही चोको चिप्स देखो। मैंने एक लास्ट अपने बर्थडे पे खाया था वीडियो में, मतलब अब ट्रिप में लगे हुए जो गाने थे ना उन गानों को जब यहाँ बजाता हूँ तो भी ट्रिप की याद आती है। उस माहौल में कुछ एक दो पंच लाइन मारी होगी भैया लोगों ने तो वो याद आती हैं, कैसे हंस रहे थे वो याद आती हैं। अपन बहुत कमज़ोर दिख गया इस मामले में, मैं बहुत बहुत ज़्यादा वीक हूँ। डिटेलिंग देखो जरा, सीट बना रखी है भाई, टेस्ट तो अच्छा ही। केक और खाने का मन है मेरा बट 1 घंटे 22 मिनट हो चुके हैं इस वीडियो को। अप्रॉक्सीमेटली 15-20 मिनट मुझे प्लेटिंग वगैरह में लगे थे तो 1 घंटा मेरे को ऑलमोस्ट हो चुका है। अपना ईटिंग विंडो 1 घंटे का ही होता है अगर आप लोग जानते हो मुझे। आई थिंक दिस इज इट फॉर टुडे, आई होप यू गाइज एंजॉय टुडेज वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग एंड आई विल गेट यू गाइज ऑन टू द नेक्स्ट वन। पीस।